तो अभी बस मैं और मेरे हस्बैंड साहब जा रहे हैं जी सुलेमान को छोड़ने। देखिए जी सुलेमान ने तैयारी कर ली है। ये जी सारी प्लेटों में चावल और राजमा डाले जा चुके हैं, एक प्लेट उधर है और ये है जी सलाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वीवर सुबह के हो चुके हैं जी 10 और यहाँ पे माना जी नाश्ता बारी 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 सा बनता है जी। कुछ सुबह उठ के जल्दी खा लेते हैं, कुछ लेट करते हैं। तो यहाँ पे बना है जी सुलेमान का नाश्ता। ये देखिए जी इसका अंडा, इसकी नानो ने कितना प्यारा अंडा बनाया है। और ये है जी इसका पराठा। अब ये नाश्ता करेगा और ये कह रहा जी मुझे आज घर छोड़ के आए, जाना है आपने घर? कपड़े इसके रात के हम ले आए ईद वाले, हमने इसको दे दिए गिफ्ट इसका, ठीक है। और फिर इसको जी हम छोड़ आएंगे आज। तो ये जी आप पूछ रहे थे कि ये इसकी नानो कैसी लगती है। जो इसकी मामा है ना वो बाजी की सगी भांजी है, यानी इसकी सगी नानो और बाजी दोनों बहने हैं। और ये जी ताई भी लगती है, क्योंकि जो बाजी के हस्बैंड है वो इसके पापा के यानी मेरा जो भाई है, तो हम कज़न है जी चाचू चाचू के हैं। तो ये फिर ताया भी लगा ना भाई, है ना, ताई भी लगती है ना, क्योंकि जी इनके जो हस्बैंड है वो मेरे भाई के चाचू के बेटे हैं, मेरे भी चाचू के बेटे हैं, तो ये फिर ताई भी लगती है। इसलिए आशी नानो भी है और ताई भी है। ताई ने अच्छा प्रोडक्ट रख दिया है। चलो जी आप ये करने लगा जी नाश्ता। और यहाँ पे देखे जी बाजी ने नहीं, वो नहीं खाती, खिलाओ भाई इसको। और यहाँ पे जी बाजी ने साथ ही जी रख दी है बोली बाउली। बोली ये गाय की है जी, ये हमारे हमसाए जिनसे जी हम दूध लेके आते हैं, ये उनकी गाय भी है, तो उन्होंने जी हमें दी है। आज हम ये बनाएंगे, इसमें डालेंगे जी हम शक्कर। ये है जी शक्कर देसी, ये मैं उस दिन जी गुजरावाला से लेके आई थी। तो ये जी हम इस बोली में डालेंगे। और ये देखें जी सुलेमान नाश्ता कर रहा है, साथ साथ मोबाइल पे जी अपनी गेम खेलता है। कार्टून देख रही हो, मोटू पतलू कोई और? अच्छा। और देखिए जी साथ ये नाश्ता कर रहा है। कल तो इसकी मामा अंडा बना के देंगी। मामा अच्छा अंडा बनाती हैं, अपनी मामा है ना, मामा अच्छा अंडा बनाती है। कर लिया बाजी नाश्ता? बाजी ने जी नाश्ता कर लिया। मौसम दिखाते हैं जी आपको। देखें जी बहुत कड़ाकेदार धूप निकली हुई है जी, बहुत ही सख्त धूप है। सूरज जो है जी वो इस तरफ है जी अभी, और ऐसा लग रहा है कि बस जी आज तो खूब गर्मी पड़ने वाली है। हर तरफ जी धूप ही धूप, कहीं भी जी बादलों का नामो निशान नहीं है। क्या पता जी अभी थोड़ी देर में बादल आ जाए, फिलहाल तो बादलों का जी नामो निशान नहीं है। और ये देखें जी इसमें इलायचियाँ हमने डाल दी हैं। और ये है जी देसी शक्कर, इसको जी हम डालेंगे। ये जी हमारी अब ये जो बोली है ये तैयार हो गई है। बस इसको जी आप उबाल आएंगे और इसमें फुटियाँ बनेंगी तो ये तैयार हो गया। अब देखें, हाँ ये देखें जी फुटियाँ बन रही हैं। ये देखें जी यहाँ पे जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त बोली बनी है। ये आज का दूध था ना पहले दिन का, हाँ तभी जी ये बन गई है। ये देखें जी हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं, तो जिनकी जी भैंसियाँ जहाँ से दूध लाते हैं ये सबको देते हैं जी। ये देखिए माशाल्लाह अब खाते हैं जी इसको। तो ये देखिए जी बोली बन चुकी है और मैं इसे जी खा रही हूँ ठंडा करके, बहुत मज़ेदार बनी है। और इसमें जी हमने डाली है शक्कर, चीनी नहीं डाली जी, प्योर देसी जी हमारी बोली बनी है। आपने कमेंट्स करके नीचे बताना है कि आप इसे क्या कहते हैं। हम तो इसे जी पंजाबी में बोली कहते हैं, और आप जी अपने अपने इलाके में इसे क्या कहते हैं। सलमान खाएगा बोली? वो जी नाश्ता खा रहा है अभी। तो अभी बस मैं और मेरे हस्बैंड साहब जा रहे हैं जी सुलेमान को छोड़ने। देखिए जी सुलेमान ने तैयारी कर ली है। ये बैग जी इसने डाल लिया पीछे, ये इसके चाचू बीब ने इसको लेके दिया था। और इसने अपने कपड़े भी देखे जिधर रख लिए हैं। तो तैयारी हो गई जी सुलेमान भट्ट की। खाने पीने का सामान इसका इधर है। इसकी इधर में क्या रखा है इसके अंदर? हाँ जी इसने चावल रखे हैं, तो थोड़ी सी बोली डाल के दी है इसको। चलो जी उठे जी, इस पर आते हैं जमें। और फिर जी कुर्बानी जी इसके पापा ने बोला है कुर्बानी का जानवर लेना है ना।
बताओ अपने उधर बहन भाइयों को क्या लेना है, है? वैदा, वैदा लेना है जी हमने। तो ये जा रहा है, अपने पापा के साथ खरीदने जाना है और फिर उसके बाद ही आ जाएगा। आ जाओगे? बताओ ना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, मैं आ जाऊंगा। ये गोश्त ले लिया ना। चलो पाजी जी, चलो जी मिल लिया, आ जाओ जी। ये आ गया जी सलमान अपने घर में, अपने चीचे को उठा रहा है। मामा से नहीं मिलना? मामा से मिलो। क्या है? पानी पीना। देखो जी सलमान के चूचू इसका इंतजार कर रहे थे। हैं सलमान बड़े हो गए हैं, सलमान जितने हैं ना, सलमान के चूजों का पिंजरा है, बड़े हो गए। गर्मी है, हम इधर जी बैठ गए हैं ये कूलर लगा कर, सलमान के चूजे इधर। और ये देखे जी सलमान वापस जा रहा है, है? ये देखे जी ये सामान इसका पकड़ लिया है और कह रहा है मैंने वापस जाना है, वापस जाना हमारे साथ खिलौने इसमें है। हाँ, मामा से भी मिल लिया, पापा से भी मिल लिया है। और छोटी ये देखो नीजा छोटी बटनी, टाटा कर दो अपने भाई को। और ये सलमान का झूला है देखे जी, इस पे बिठा दो इसको, झूले ले, नीजा झूला लेगी। चलो जी ये देखो जी, ये देखे जी सलमान का झूला है, तो ये नीजा का भी झूला है, नीजा झूले ले रही है। बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। कितने लाने जी? चीर ले रहा है। चलो जी, अच्छा जी खुदा हाफिज़। बैठ गए जी भाई, चल भाई सलमान बैठ जाओ। सलमान बैठने लगा है जी, अब वापस जा रहे हैं घर, चल कर जी मुलाकात करते हैं, ठीक है जी। अब चूचा भाई निकल आया है इसका, सलमान सलमान भी कुल्फी खा रहा है। तो ये देखिए सिटी रोड है, भाई किधर खड़ा किया, खा लो आप ही। नहीं हेलो सलमान कुल्फी, देखे जी सलमान हीरो लग रहा है, हीरो लग रहे हो, मजेदार है कुल्फी। ये देखे जी बेगम साहिबा और सलमान कुल्फी खा रहे हैं जीटी रोड पे बैठ के, राह वाली हम गुजरा वाला से वापस जा रहे हैं चौंकल, तो रास्ते में ये गर्मी है ना, गर्मी है बहुत ज्यादा, इसलिए जो ना हम वापस आ गए जी। बाबू ने दरवाजा खोल दिया है, नहीं आ जल्दी पानी पिए जी, पानी पीता है। तो हम आ चुके हैं जी घर, मैं सलेमान और हमीसा, ये अपनी गाड़ियों लेकर आया है और ये जहाज हेलीकॉप्टर लेकर आया है, कहता है जी मैंने जाके वहाँ पे अपनी कॉपियों को दिखाना है। तो ये जी वहाँ पे पता नहीं इसका दिल नहीं लगा वापस आने, वो देखे जी जीप चला रहा है, अब चलाओ भाई। तो भी बस मैं जी छत पे आई हूँ, क्योंकि मेरे आने से पहले जी बाजी ने ये राजमा जो है वो भिगो कर जी धूप में रखा हुआ था वहाँ पे, तो इसको जी लेकर जी नीचे चलते हैं और इसको वॉश करते हैं, क्योंकि आज हमने जी राजमा बनाने हैं और इसके साथ जी हम चावल बनाएंगे। तो भी बस शाम हो चुकी है जी, तकरीबन 6 होने वाले हैं और अभी तक देखें जी धूप कड़ाकेदार निकली हुई है, तो जल्दी जल्दी हम खाना बनाए। तो
व्यूअर्स यहाँ पे जी मैंने रेसिपी का सामान रख लिया है। आज हम स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं जी राजमा। तो बाजी वहाँ पे जी टमाटर की कटिंग कर रही है और प्याज जी इन्होंने मुझे कटिंग करके दे दी है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले डालेंगे जी हम घी। एक चम्मच जी मैंने घी डाल लिया है, इसको गर्म होने देते हैं। तो भी बस घी जी गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम डालेंगे जी साबुत मसाले। चम्मच जीरा, ये दार चीनी के चंद टुकड़े हैं जी, और ये तेज़पात, और ये लौंग के चंद टुकड़े हैं, और ये हैं जी मोटी इलायची। तो अभी इनको जी हम डाल देते हैं घी में जी। लहसुन, देसी लहसुन है जी, एक गट्ठा है जी, तो इसको भी जी हम डाल देते हैं और फ्राई करेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम एक अदर प्याज, और इसको भी हम फ्राई करेंगे। तो बस प्याज जी हमारे हल्के हल्के नरम हो चुके हैं। अब यहाँ पे डालेंगे जी मसाला जार। सबसे पहले हम डालते हैं जी इसमें एक चम्मच नमक, आधा चम्मच जी डालेंगे हल्दी, एक चम्मच डालेंगे जी सुरख मिर्च। मसालों को मिक्स कर लेते हैं। अभी बस ये जी हमारे चार अदर टमाटर, और इन टमाटरों को जी हम डाल देते हैं। और यहाँ पे डालेंगे जी हम थोड़ा सा पानी। दो से तीन मिनट का जी वेट लगाते हैं, और उसके बाद जी टमाटर डालते हैं, तो फिर बाकी चीज़ें डालते हैं। ठीक है जी, हमारा मसाला गल चुका है, और टमाटर के छिलके जी हम उतार लेते हैं। टमाटर के छिलके जी मैंने उतार लिए हैं। अब हमारे जो टमाटर और प्याज है जी, वो इसी पानी में जी गल जाएंगे। इसमें अभी पानी है जी, ये देखिए जो इसको हम इस तरह डोई की मदद से जी बारीक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे डालेंगे जी हम सूखा धनिया पिसा हुआ, और एक चम्मच डालेंगे जी पिसा हुआ जीरा। और यहाँ पे डालेंगे जी आप सब्ज मिर्चें, जिनके जी हमने ये बारीक बारीक कटिंग की हुई है, इनको डाल देते हैं। और ये है जी तकरीबन चार अदर। फिर मसाला जी मैंने दो मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे जी राजमा, जो है जी हमारा आधा किलो। तो पानी से जी हम इसको डाल देंगे, क्योंकि मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ है। और आधा लीटर जी हम और पानी डालेंगे, क्योंकि हमने जी साथ बनाने हैं चावल। अब जी यहाँ पे हम लगा देंगे ढक्कन कुकर को। तो भी मैं 6 सीटी तक जी हम इसे तेज आंच पे पकाएंगे, और उसके बाद ये 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। और मैं आ गई हूँ जी ऊपर। आज जी पानी लगाना था, वो मैंने तो सीख को भेजा है ऊपर, टंकी चलाई है जी, तो पानी लगाना याद नहीं रहा था जी, आज फिर लगा रहे हैं। ये देखिए जी, दीवारों को हर रोज़ पानी लगाना होता है। सुबह हम चले गए तो अब तो सीव लगाता है जी रोज़। प्रेशर कम हो गया, दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जी ये व्यू है। सुलेमान आ गया जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी नहा कर आया जी ट्यूबवेल पे, ट्यूबवेल पे वहाँ पे ट्यूबवेल है जी, वहाँ पे नहा कर आया अभी अभी, अपनी फूफो के साथ और आपियों के साथ गया हुआ था। नहाए हो, सर्दी लग रही है? आप सर्दी लगे ना, जा थोड़ी देर खड़े रहो। ये देखे जी यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जी चावलों के लिए खेत तैयार किए जा रहे हैं। और ये वो कबूतर है जी जो हम आपको दिखाया करते थे, और रोज़ ही सुलेमान के साथ हापियाँ भी ऊपर आ जाती हैं। ये जी ट्यूबवेल पे सारे नहा कर आए हैं, हैं इंजॉय करके आए हैं सारे ट्यूबवेल पे। ठंड ठंड हो गई है ना, कीड़ों का बताओ उधर कीड़े। और यहाँ पे जी बच्चे खेल रहे हैं शाम के वक्त जी, हर रोज़ यहाँ पे बच्चे खेलते क्योंकि छुट्टियाँ हैं। सुलेमान भी खेलेगा इधर। तो हम जा रहे हैं जी अब नीचे, और यहाँ पे बाजी जी चावलों की तैयारी करने लगी हैं, वॉश करने लगी हैं जी, चावल साफ कर लिए हैं। और इस तरफ जी बहुत अंधेरा है, क्योंकि यहाँ पे जी बल्ब जो है वो छोटा लगा हुआ है, ऊपर से बंद है इसलिए।
यहाँ पे जी बड़े बल्ब आप लगवाएंगे फिर रोशनी हो जाएगी। गाइस कुकर जी हमने खोल लिया है और यहाँ पे देखिए जी राजमा हमारे गल चुके हैं। बाजी मुझे चेक करवा दें जी, ये देखिए जी बिल्कुल जी नरम हो गए हैं। चलिए जी सारा गल गए हैं। तो इसके ऊपर जी हल्की आंच पे हमने दोबारा से इसको ढक्कन दे दिया है। वहाँ पे बाजी बनाने लगी है जी चावल, साथ हम बनाएंगे जी जीरे वाले चावल और घी डाल लेते हैं जी इसमें जी। ज़ीरा एक चम्मच, तेज़पात, दालचीनी इसको जी हम डाल देते हैं। घी गर्म हो चुका और ये है जी 2 किलो पानी, 1 किलो चावल में 2 किलो जी हम डालते हैं। तो ये डाल देते हैं जी भाजी, ये 1 चम्मच नमक, ढक्कन लगा दिया जी। अब इसके उबाल आने का इंतज़ार करते हैं फिर चावल डालेंगे। और देखिए जी बाहर जो है वो रात हो गई है, देखिए जी अंधेरा छा गया चारों तरफ और यहाँ से जी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई बारिश आने वाली है। बहुत मौसम जी फिर बारिश वाला बन गया। दोपहर को जी बहुत सख्त गर्मी थी, क्या पता जी यहाँ से बादल आ जाए। उबाल आ गया जी, इसमें डालेंगे चावल, 1 किलो चावल है जी। अब इसको जी हम डाल देंगे और ये कायनात के चावल हैं जी, कायनात वाले चावल हैं। ये देखें जी सलेमान नहाया है, तेल लगाया है, सर ये नहा के आया ट्यूबवेल पर। फिर नहीं, झूठ झूठ क्यों बोल रहे हो, बोलो ना मैं नहा कर आया। ये गाड़ी लेके आया जी रिमोट वाली, ये अपनी आपियों को दिखाने के लिए कहता था जी मैंने लेके जाने, मुझे लेकर जाए वापस। खेल रहा है जी, ये गर्मी लगी हुई है इसे। तो बस हमारी इडलियाँ जी तैयार हो गई है, इसके लुक चेक करें जी, माशाल्लाह घी ऊपर आ चुके हैं और लोबिया हमारा गल चुका है। अब इसमें जी हम थोड़े से मसाले डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे जी हम गरम मसाला पिसा हुआ, और ये है जी मेथी, ये जी थोड़ी सी इसमें खुशबू के लिए डाल देते हैं, और ये है जी सब धनिया, इसे भी डाल देते हैं। तो बस खाना जी हमारा तैयार हो चुका है, यहाँ पर जी आप चटाई लगाते हैं और खाना खाते हैं जी। उधर से पकड़ो, उधर से आ, मेरी तरफ आ जाओ। ये देखिए जी सलेमान जो है वो चटाई भी बिछाता है और दस्तरखान भी लगाता है जी रोज। बस खाना जी लग चुका है माशाल्लाह, और साथ ही जल्दी से बाजी ने सलाद भी बना लिया, टमाटर प्याज सब मिल चुका है। ये चावलों के साथ बहुत अच्छा लगेगा, तो टाइम वेस्ट ये बनाया जी, जल्दी बाजी खाना डाल के दे सबको, क्योंकि जी सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हस्बैंड साहब का जी गला खराब हो गया, आम लेकर आए थे उनकी वजह से। ये देखें जी चावल तो माशाल्लाह बहुत अच्छे खिले खिले बने हैं जी, जीरे वाले। सलेमान को सबसे पहले जी चावल डाल के दें, आपको दो डाल के बताएं के दे, बोलो आपको डाल के दे सबसे पहले। हाँ किसको बोल के बताओ ना, बोल कैमरे के सामने जी शर्माता है, वैसे तो कह रहा सबको डाल के दे। चले जी बिस्मिल्लाह करके जी डालते हैं। आज हमने जी पहली दफा बनाए हैं जी राजमा, राजमा वाजी वाह बहुत मजेदार बनते हैं। बड़ी प्लेट में खाना है आपने तो छोटी में लाओ डाल के दो ना। अच्छा लाओ लाओ डाल के। चलो जी सलेमान की वीडियो हम बनाते हैं जी, खाएं खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। चलो ठीक है, और ये देखिए जी यहाँ पे 1, 2, 3 प्लेटों में जी डाले जा चुके हैं चावल, जो चौथी प्लेट, और इधर सलमान की 5वीं।
चले जी है जी छोटी प्लेट। ये देखें जी सारी प्लेटों में चावल डाले जा चुके हैं। ये देखें जी माशाल्लाह हमारी रेसिपी आज की, बिस्मिल्लाह करके जी डालते हैं, एक साइड पे डाल दें चाहे ऊपर डाल दें। ये जी हमारी तीसरी प्लेट है, तो जल्दी जल्दी जी डालती जा रही हैं बाजी ताकि सबको टाइम पे खाना मिले। और ये है जी आखिरी प्लेट, अब इसमें जी डाला जा रहा है सालन चावलों के साथ। चले जी सारी प्लेटों में चावल और राजमा डाले जा चुके हैं, एक प्लेट उधर है, और ये है जी सलाद, और इधर है जी सलमान के चावल। सलमान ने जी ऊपर चावल नहीं वो सालन नहीं जी डलवाया। खाना जी प्लेटों में आ चुका है और पंखा जी लगाया है, बड़ी सख्त गर्मी है जी, हवा तो चल रही थी, क्या पता जी बारिश भी आ जाए। तो खाना स्टार्ट करते हैं जी, आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाह बहुत जबरदस्त खाना बनाया जी, और हमने भी पहली दफा बनाया तो काफी अरसे से जी लेके आए थे हस्बैंड साहब, मेरे घर में 6 महीने हो गए हैं पड़े हुए थे, रोज कहते थे बनाए, आज बारी आ गई है, तो आज माशाल्लाह कुछ खाना बनाए। जब आप खाना खाएंगे फिर आपसे जाते लेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा लगाते हैं। दोनों बाजियाँ बता दें जी कैसा खाना बना है। अच्छा बढ़िया चिकन तो बात ही कर खाना वाकई बहुत टेस्टी बना माशाल्लाह। तो बस अब आपसे ज़्यादा चाहेंगे, हस्बैंड वाइफ रिक्वेस्ट होती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेते हैं, हमारे जितने बहन भाई दोस्त अब हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, जो नहीं भी करते सब फिर अल्लाह पाक इजाफा फरमाए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती ता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले जितना अच्छा खाना खाने पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। और हमारे जी बहन भाई हमसे पूछ रहे थे कि आपकी कुर्बानी का जानवर कब आएगा, तो अभी बस हमने जी अभी अभी लेटर डाला, इसे बहुत ज़्यादा खर्चा है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी जानवर में हिस्सा डालें। आज भी जी असर साहब गए हुए थे, बाजी जी गई हुई थी पता करने, तो बड़े जानवर में जी हम हिस्सा डाल लें, तो जितनी हमारी गुंजाइश होगी जी उसी के मुताबिक जी हम कुर्बानी करेंगे। तो अब आपको यकीन जी मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ठीक है व्यूअर, इसके साथ ही हमें इजाजत दें, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना सलमान के पापा जी बड़ा जानवर लेंगे, है ना, सलमान जी लेगा वो बड़ा बैल, सलमान के पापा कह रहे थे जी हम बैल लेंगे, फिर सलमान के जो है ना अपने घर से माली इतना ज़्यादा गोश्त लेके आएगा, वो हर साल करते हैं जी, इसका पापा हर साल करता है, इतना बड़ा जानवर।